Can Can you you? guys guys. hear me, Hear me? me? Hello, 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 कैसे हैं आप सब तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को इंट्रोडक्शन टू फैमिली लॉ सो फैमिली लॉ कौन सा का टॉपिक होता है ये लोग तो ये तो आप सबको पता ही होगा है ना इतनी तो पढ़ाई लिखाई हमने कर ही रखी है कृति मैम क्या बात कर रही हो सो फैमिली लॉ टॉपिक होता है आपका मिसलेनियस लॉस का ठीक है तो इट्स अ टॉपिक ऑफ मिसलेनियस लॉस। मैंने आपको बताया था मिसलेनियस लॉस कौन से लॉस होते हैं स्पेसिफिकली वो लॉस होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट क्रिमिनल कॉन्स्टिट्यूशन एंड टॉट्स। इसके अलावा जितने भी लॉज होते हैं वो सब मिसलेनियस के हैं आपकी लॉ uh, आपकी क्लैट की प्रेपरेशन में लीगल रीजनिंग सेक्शन में सो वील बी टॉक टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट मिसलेनियस लॉज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लैट पर्सपेक्टिव से इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लैट एग्जाम में विच इज गोइंग टू बी फैमिली लॉ ठीक है तो परिवार वाला लॉ तो वील बी टॉकिंग अबाउट दैट टुडे वेलकम टू द क्लास कैसे हैं आप सब इंट्रोडक्शन में आप सबका स्वागत है विदाउट फर्द स्टार्ट आर फ्लास्ट तो मेरा नाम ना है कृति भटनागर है और मैंने अपने बी एल बीब को पता करके मास्टर मेरे बारे में यहाँ पर दे रखा है आपको जानना हो तो प्राइस ड्रॉप अलर्ट अनकेडमी पे लिमिटेड पीरियड ऑफर है आप फिफ्टी परसेंट तक सेव कर सकते हो वन मंथ का फ्री एक्सटेंशन मिल सकते हैं अगर आप मुझे कोई भी अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो और अगर आपको मेरी प्लानी का सारे है तो आप मेरा को डूज कर सकते हैं विच सी बी फॉर अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन ऑफर सो अगर आप मुझे को भी चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं और Secondly, saving हो गई हैं। हैं, अगर आप कोई भी पे प्लस या का लेना चाहते तो लोग ले सकते है। so, पे दो तरीके के अवेलेबल है। एक होता है प्लस और एक होता है आइकॉनिक उन्मेश लीगल सीए की क्लास मैंने सुबह करा दी भाई कहा, कहा जी रहे भाई तू क्या चल रहा है तेरे साथ आजकल प्लस क्लासेस में भी ऐसा ही गुमसुम गुमसुम ऐसा रहता है तू ठीक <laughs> है Hope, सब सही है चल एनी वे सो प्लस में क्या होता है ना आपको सारी आप क्लासेस चाह। तो लेना चाहो ले सकते हो आइकॉनिक में क्या होता है प्रायोरिटी प्रिंटेड मटीरियल आइकॉनिक में ये सब अवेलेबल है सो so, आप प्लस लेना चाहो प्लस ले सकते हो आइकॉनिक लेना चाहो चाह। आइकॉनिक ले सकते हो और ऑफर अगर आप चाहते हो तो आप कृतिबी को सकते हो अगर आपको मेरी बनाने के साथ सकते हो तो

Uh, टेस्ट कंडक्ट होंगे अन अकेडमी आप पे आप ऐप डाउनलोड करके दे सकते हैं इनको लेवल ऑफ फाउंडेशन बैच है तो so, जैसे आपने प्लस सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप इस बैच में भी एनरोल कर सकते हो इस बैच की कोई एजुकेटर्स पसंद हो उनकी क्लासेस कर सकते हो इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये वॉरियर्स बैच चल रहा है इसमें मैं लीगल आपको जूट पढ़ा रही हूँ इसमें एनरोल करना चाहते हो इसमें एनरोल कर सकते हो मतलब मर्जी है तुम्हारी जो तुम्हें करना हो तुम वो कर सकते हो ठीक है लास्टली स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस होती है क्रैक में तो उसमें भी कर सकते हो और स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस होती है पे तो ये तो आप सब लोग अटेंड कर ही सकते हो उसमें कोसेस वगैरह होती हैं तो वो हेल्पफुल रहती हैं तो उसमें आपको मिलती है इन लाइव क्लासेस पोज रेज हैंड क्लास कहीं से कभी class को एक्सेस कर सकते हो तो चलिए शुरू करते हैं नहीं नहीं नहीं, नहीं अक्षरा नो 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 अक्षरा इफ यू आर अटेंडिंग ऑफ लीगल रीजनिंग एटलीस्ट ठीक है ठीक है तो शुरू करें शुरू करते हैं चलिए अब हम फैमिली को तो फैमिली को तो ना पहले अपन समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या दे रखा है तो देखो हमारा जो तो देश है ना हमारे देश में जनरल लॉ यूजुअली चीजों के लिए एग्जिस्ट करता है जैसे क्रिमिनल लॉ सब पे एप्लीकेबल है है ना मैंने मर्डर किया किसी और ने मर्डर किया लड़के ने मर्डर किया किसी ने मर्डर किया सब पे सेम तरीके की सजा मिलती है है ना ऐसा नहीं देखा जाता अरे कृति नाम की लड़की के से नाम शुरू होता है इसको कम सजा देंगे अक्षरा नाम की लड़की इसका नाम ए से शुरू होता है इसको हम ज्यादा सजा देंगे तो ऐसा नहीं होता है ना या ए रिलीजन को बिलोंग करने वाले बंदे को हम ज़्यादा सज़ा देंगे बी रिलीजन को बिलोंग करने वाले को हम कम सज़ा देंगे दैट इज़ नॉट हाउ इट हैपन्स इन क्रिमिनल लॉ ठीक है तो क्रिमिनल लॉ कैसा लॉ है यूनिफॉर्म लॉ है यूनिफॉर्म लॉ का मतलब क्या होता है यूनिफॉर्म मुझे पता है उसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं ऐसी मस्ती में बोल रही हूं मैं ठीक है आ गए वरना कमेंट में ये कैसे बोलती है तो मत देखो ठीक तो है तो यूनिफॉर्म लॉ है क्रिमिनल लॉ यूनिफॉर्म लॉ क्यों है क्योंकि सब पे सेम एप्लीकेबिलिटी है ऐसे लॉ जिनकी एप्लीकेबिलिटी सेम होती है उन सब लोगों पर इनस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन कास्ट जेंडर फलाना ढिमगाना दैट इज वॉट इज कॉल्ड एज ए यूनिफॉर्म लॉ ठीक है तो हमारा जो आर्टिकल 44 है कॉन्स्टिट्यूशन में वो किसी चीज की बात करता है किस चीज की बात करता है मुझे याद नहीं आ रहा जरा मुझे बता दीजिए आर्टिकल फोर्टी फोर किसकी बात करता है भाई हेलो खुशबू हाव यू हेलो नानसी हेलो एवरीवन एल्स हाय अंजुमन आर्टिकल फोर्टी फोर किसकी बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया है मैंने मार खा जाओगे अगर गलत बताया तो वेरी गुड एब्सोल्युटली करेक्ट धन्यवाद बताने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड ठीक है यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि वन लॉ फॉर वन नेशन पूरे नेशन में एक ही लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रिंसिपल है पर हमारी कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल है क्या मतलब लीगल है क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड सब पे अप्लाई होता है क्या सब चीजों में यूनिफॉर्म सिविल कोड बताओ बताओ भाई नो 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 नो

हमारी कंट्री के फैमिली लॉज जो हैं वो यूनिफॉर्म नहीं है यूनिफॉर्म नहीं है का मतलब क्या है यूनिफॉर्म नहीं है का मतलब ये है कि हर रिलीजन का पर्सन हैज डिफरेंट लॉज फॉर ठीक है तो फैमिली लॉ की ना कोई ऐसा नहीं है कि कोई फैमिली लॉ एक्ट है जो सब पे अप्लाई होगा दैट इज नॉट हाउ इट इज डन वाई बिकॉज आर्टिकल 44 फोर इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया सो हर रिलीजन के लिए डिफरेंट लॉज हैं एवरी रिलीजन हैज डिफरेंट लॉस इन आर कंट्री जिस दिन हमारे यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लग जाएगा उस दिन सारे रिलीजन के लिए लॉस भी सेम हो जाएंगे फैमिली के भी लेकिन फिलहाल क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लगा लगा हुआ है और जो फैमिली लॉस होते हैं वो पर्सनल लॉस होते हैं है, है ना लोगों की पर्सनल लाइफ से रिलेट करते हैं तो इसलिए यहाँ पे स्टेट जबरदस्ती नहीं कर सकती बाय मेकिंग वन लॉ टू एप्लीकेबल टू ऑल और वैसे भी हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है सो फैमिली लॉ में हर रिलीजन के लॉज अलग होते हैं जैसे अगर आप देखोगे हिंदू लॉ डिफरेंट होता है ठीक है मुस्लिम लॉ डिफरेंट होता है सेम नहीं होता जैसे फॉर एग्जाम्पल हिंदू लॉ में एक से ज्यादा शादी इज पनिशेबल ठीक है इट्स अ क्राइम अगर कोई भी हिंदू पर्सन दो बार शादी करता है एक शादी के बाद दूसरी शादी करता है तो उसे पनिश तक किया जाता है लेकिन मुस्लिम लॉ में फोर वाइफ आर ऑल्सो अराउंड, ठीक है अपटू तो फोर वाइफ्स आर अलाउड अंडर मुस्लिम लॉ तो ये डिफरेंस हो गया ऑब्वियसली डिफरेंट लॉज है थर्ड क्रिश्चियन लॉज क्रिश्चियन लॉज और भी अलग होते हैं तो हर रिलीजन का हमारी कंट्री में लॉ अलग अलग है तो फैमिली से डील करने वाले जो लॉज है ना वो अलग अलग होते हैं आपके क्लैट क्लैट के के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है के लिए आपको हिंदू लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं मुस्लिम लॉ से आज तक पूछे नहीं गए हैं फिर भी पढ़ना जरूरी है और क्रिश्चियन लॉ तो और पारसी लॉ ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है समझ गए तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि हमें क्या क्या क्या

गार्जियनशिप एंड सक्सेशन सो ये टॉपिक्स हैं जो क्लैट पर्सपेक्टिव के लिए जरूरी हैं फॉर फैमिली लॉ चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एज यूज़ुअल ठीक है चलिए तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं समझ गए आप लोग हाँ हाँ चेतन तू यू तू छोड़ दे भाई, ये तु, तु वाली क्लास मत देख प्लस वाले बच्चों को वाईटी की क्लास देखने की जरूरत नहीं है सब मैंने प्लस पे कवर कराया है चिंता मत करो ठीक है समझ गए आप लोग चलो भाई अब हम हाँ, शुरू करते हैं है ना फैमिली लॉ के इंट्रोडक्शन तो अभी कभी आपने थोड़ा ओवरव्यू ले लिया है तो आप लोग समझ गए ना एसेंस समझ गए ना फैमिली लॉ का फैमिली लॉ अलग अलग क्यों है हर रिलीजन में अलग अलग क्यों है सबके रूल सेम क्यों नहीं है क्योंकि हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है और हर रिलीजन जो है बहुत पर्सनल होता है तो रिलीजन ऐसे डेवलप नहीं हो गया कि ए आज से ये रिलीजन है रिलीजन को डेवलप होने में बहुत सारी चीजें एम्बेड करी गई बहुत सारी फिलोसफीज लगी बहुत सारी थ्योरीज लगी जो हर रिलीजन में अलग अलग होती हैं तो उसी के बेसिस पे हर रिलीजन का भी लॉ बनाया गया है ठीक है समझ गए समझ गए चलो ना कमिंग टू स्टार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू फैमिली लॉ तो पर्सनल लॉ जो होता है ना किसी भी पर्सन का वो पर्सनल लॉ मतलब कौन सी फैमिली लॉ में वो बिलोंग करेगा वो डिपेंड कर, नहीं करता उसके डोमिसाइल पे डोमिसाइल पे डिपेंड नहीं करता ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन भोपाल में पैदा हुआ तो उसका कुछ और पर्सनल लॉ अप्लाई होगा दिल्ली में होगा तो कुछ और पर्सनल लॉ अप्लाई होगा तो डोमिसाइल पे डिपेंड नहीं करता है नेशनैलिटी पे डिपेंड नहीं करता है लेकिन वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है इस पर डिपेंड करता है कि उसका पर्सनल लॉ कौन सा लगेगा तो फैमिली लॉ की जो स्टडी होती है बड़ी यूनिक है सिविल लॉज बाकी सिविल लॉज जैसी नहीं होती उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है फैमिली लॉ में यूनिफॉर्मिटी नहीं है हर किसी का रिलीजन अलग है जिस जिसका जो रिलीजन है उस पर वो पर्टिकुलर लॉ अप्लाई करेगा ठीक है और बहुत सारे डोमेस्टिक रिलेशन आते हैं फैमिली लॉ में मैरिज मैट्रिमोनियल रेमिडीज लेटरमेसीड्रेन कस्टडी गार्जियनशिप अडोप्शन इंटरस्टेट एस्टिमेंट्री सक्सेशन तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हिंदू के लिए जो लॉ है वो है हिंदू लॉ मुस्लिम्स के लिए जो लॉ है वो है मुस्लिम पर्सनल लॉ और बाकी जैसे फॉर एग्जांपल क्रिश्चियंस के लिए क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है पारसीज के लिए पारसीज का पर्सनल लॉ है तो जो वन रिलीजन कम्युनिटी से बिलोंग करता है उसका पर्सनल लॉ उसी पे अप्लाई करता है जो जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता है उसका पर्सनल लॉ उस पर अप्लाई करता है जैसे एक्स एक मुस्लिम पर्सन है तो उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ ही अप्लाई होगा हिंदू नहीं होगा क्रिश्चियन नहीं होगा हिंदू पर्सन है हिंदू पर्सन पे हिंदू पर्सनल लॉ ही अप्लाई होगा दूसरे उनका नहीं अप्लाई होगा रिलीजन का ठीक है और ऑब्वियसली इतने सारे रिलीजन है तो उनके एक्ट्स भी बने हुए हैं जैसे हिंदू लॉ के लिए हिंदू मैरिज एक्ट बना हुआ है और भी एक्ट्स बने हुए हैं मुस्लिम लॉ के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट बना हुआ है क्रिश्चियन लॉ के लिए बना हुआ है पार्सी के लिए पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट बना हुआ है तो ऐसे एक्ट्स भी बने हुए हैं मतलब पार्लियामेंट ने एक्ट्स भी बना रखे हैं ठीक है तो जिनके जिनकी एप्लीकेबिलिटी होती है डिफरेंट डिफरेंट केसेस पर समझ गए आप लोग

लीगल uh, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए तो जितने भी पर्सनल लॉज आप देखोगे ना हिंदू लॉ देखोगे मुस्लिम लॉ देखोगे क्रिश्चियन लॉ देखोगे का लॉ लॉ देखोगे, एनी पर्सनल दैट इज़ देयर इन इंडिया उन सब में लिखा हुआ है कि मैरिज इज अ यूनियन ऑफ अ मैन बायोलॉजिकल मैन एंड अ वुमन ठीक है जितने भी लॉज हैं जितने भी पर्सनल एक्ट्स हैं ऑल ऑफ देम से टॉक अबाउट अ मैरिज इज बिटवीन अ मैन एन एक्ट बिटवीन अ मैन एंड अ वन अफकोर्स एल जी बी टी कम्युनिटी में ये चीज नहीं बैठती क्यों क्योंकि एल जी बी टी कम्युनिटी मीन्स गे मैरिजेस लेस्बियन मैरिजेस ट्रांसजेंडर मैरिजेस तो वो इस डेफिनेशन में फॉल नहीं कर पा रहे ना, दे आर नॉट एबल टू फॉल बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज मैरिज इट अ मैन एंड अ मैन ठीक है लेकिन जो पर्सनल लॉज है बायोलॉजिकल मैन और वुमन में होती है तो कम्युनिटी इसमें फिट ही नहीं कर रही है ना तो लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनकी मैरिज किसी लॉ के अंदर इलीगल है ठीक है नन ऑफ दीज लॉज टॉक अबाउट इनके बारे में बात ही नहीं हो रही है तो द प्रॉब्लम इज कि ये समझ में नहीं आता कि वो लीगल है या इन है दे आर नीदर उनका अभी स्टैंड क्लियर नहीं है तो बेसिकली अभी तक फिलहाल जितनी भी एल जी बी टी क्यू कम्युनिटी में मैरिजेस हुई हैं द पॉइंट इज कि वो पनिशेबल नहीं है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है जिनको करनी है वो कर सकते हैं बट इन एक्ट के अंदर जो मैरिजेस मैरिज marriage की जो एक्ट्स है उन एक्ट्स में वो रिकॉग्नाइज नहीं है तो लॉ उन्हें लीगल नहीं मानता ठीक है मतलब उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट नहीं मिलता है उन्हें राइट टू अडॉप्ट नहीं मिलता है राइट टू मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते अगर वो एंड करना चाहते हैं मैरिज को क्योंकि उनकी मैरिज को एक्ट में ही रजिस्टर्ड नहीं किया जा रहा तो इसलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है कि क्या सेम सेक्स मैरिजन लीगल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए और उनको राइट्स मिलने मिलने चाहिए चाहिए कि नहीं ठीक so, है तो, बार -बार तो हम लीगल करंट अफेयर्स में एनी कवर करेंगे ठीक है सो ये एक क्योंकि पर्सनल लॉज में सब में मैन एंड वुमेन लिखा हुआ है समझ गए आप ये चीज आपको समझ में आ गया ठीक है तो मैरिज हिंदू लॉज कौन से कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट है हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू सक्सेशन एक्ट हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट हिंदू हिंदूपन एंड मेंटेनेंस एक्ट वी विल स्टार्ट विद हिंदू लॉ बिकॉज इट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर क्लैट नाउ जो हिंदू लॉ है या मुस्लिम लॉ है क्रिश्चियन लॉ है पार्सी लॉ है ये सारे लॉज में लिखा हुआ है कि मै जैसे फॉर एग्जाम्पल हिंदू मैरिज एक्ट है ठीक है तो हिंदू मैरिज एक्ट इज ओनली एप्लीकेबल

स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 स्पेशल मैरिज अलाउ करता है फॉर ऑल द पीपल ऑफ इंडिया ऑल इंडियन नेशनल्स इन फॉरेन कंट्रीज इन रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन दे बिलोंग टू ठीक है तो जिनकी शादी हो रही है जिनका ब्याह हो रहा है वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो अपने पर्सनल लॉ से ही करना चाहते हैं शादी और अगर देखो दो हिंदूस की शादी हो रही है फॉर एग्जांपल तो वो हिंदू मैरिज एक्ट में भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं वो स्पेशल मैरिज एक्ट में भी कर सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है स्पेशल मैरिज एक्ट का मतलब ये नहीं है कि सेम रिलीजन के हैं दोनों तो नहीं आएगा स्पेशल मैरिज एक्ट कहता है सेम हो डिफरेंट हो डज नॉट मैटर लड़का लड़की करना चाहते हैं शादी तो वो रजिस्टर कर सकते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर नो मैटर द रिलीजन सेम रिलीजन है तो भी हो जाएगा डिफरेंट रिलीजन है तो भी हो जाएगा बट पर्सनल लॉज स्पेसिफिक रिलीजन लॉज ये कहते हैं कि दोनों पार्टी शुड बिलोंग टू दिलीजन जिसके अंदर वो रजिस्टर करा रहे हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट में अगर कोई दो लोग करा रहे हैं तो बोथ है तो बोथ कैन बी हिंदू एज वेल एज वन कैन बी अंदू एंड वन कैन बी अ नॉन हिंदू समझ गए आप लोग पॉइंट क्लियर हो गया ठीक है गॉट इट चलो ना uh, तो हाँ तो स्पेशल मैरिज एक्ट में वो केसेस आते हैं जिसमें दोनों पार्टी सेम रिलीजन को बिलोंग नहीं करती तो अब हम हिंदू मैरिज एक्ट से शुरू करते हैं ठीक है वील स्टार्ट विद हिंदू पर्सनल लॉ बिकॉज इट इज मोर आस्ट इन द क्वेश्चन पेपर So, सबसे पहला सवाल होना चाहिए कि हिंदूज कौन होते हैं हु आर हिंदू क्या डेफिनेशन है क्या मैं हिंदू मानी जाऊंगी क्या एक्स बंदा हिंदू माना जाएगा क्या वाई बंदा हिंदू माना जाएगा और हिंदू कैसे माना जाता है किसी भी पर्सन को तो so, ये हिंदू मैरिज एक्ट में ही डिफाइंड है ठीक है हिंदू मैरिज एक्ट हु ऑल पीपल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ हिंदूज तो तीन कैटेगरी ऑफ पीपल आर अंडर द कैटेगरी ऑफ हिंदूज फर्स्ट एनी पर्सन हिंदू जैन सिख बुद्धि परपज ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू मैरिज एक्ट के परपज के लिए जितने भी लोग जो हिंदूज हैं वो तो है ही जैन भी हिंदूज के लाएंगे सिख भी हिंदूज के लाएंगे बुद्धिस्ट भी हिंदू ही कहलाएंगे फॉर द समझना। हो सकता है कोई बुद्धिस्ट ये बोले कि मैं अपने आप को हिंदू नहीं बांधता मैं बुद्धिस्ट हूं ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है वो पर्सनल ओपिनियन रखते हो वो फाइन है लेकिन अगर दो बुद्धिस्ट पीपल हैं, एक लड़का बुद्धिस्ट एक लड़की बुद्धिस्ट एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कर सकते हैं सो हिंदू मैरिज एक्ट के लिए वो हिंदू कहलाएंगे चाहे वो खुद ना मानते हो जैसे कि आपने देखा होगा आईपीसी में लिखा हुआ है अ मैन हु कमिट्स एनी क्राइम तो क्या मैन का मतलब ये है कि वुमन इंक्लूडेड नहीं है विल मैन मीन दैट अ वुमन इज नॉट इंक्लूडेड नो

क्योंकि फॉर द परपज ऑफ आई पी सी अ मैन इनक्लूड्स अ मैन एंड अ वन अना यहाँ पे मैन का हम लिटरल मीनिंग नहीं लेंगे आईपीसी में अप्लाई करने के लिए सेम वे हिंदूज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट इंक्लूड्स पीपल हु आर हिंदू हु आर जैन हु आर सिख एंड हुआ तो एक सिख लड़का और एक जैन लड़की अगर शादी करना चाहते हैं तो क्या वो हिंदू मैरिज एक्ट में कर सकते हैं कैन दे गेट मैरिड हिंदू मैरिज एक्ट येस और नो क्या बोलते हो आप लोग क्या बोलती रे पब्लिक हैं कर सकते हैं क्या यस पिया जेंडर नो जेंडर कांड भी सेम किसी भी लॉ में अभी सेम सेक्स मैरिज लीगल नहीं है ठीक है कैन दे गेट मैरिड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट बताओ यस और नो दो ही लोग इस क्लास में बा, बाकी लोग सो रहे हैं मैं भी तो पढ़ा रही हूँ दस बजे आप मेरा जवाब दे सकते होन गेट मैरिड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट बिकॉज दे विल बी कंसिडर्ड एज हिंदू फॉर द पर्पजेज ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ठीक है समझ गए आप लोग फर्स्ट डेफिनेशन नाउ कमिंग टू द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ हिंदूज Any person who is born of Hindu parents, कोई भी इंसान जो हिंदू पेरेंट्स का बच्चा है will be considered as a Hindu, unless वो अपने आप को कन्वर्ट कर ले, unless, so, example, ये है एक लड़की ये है एक लड़का इनका एक बच्चा हुआ दोनों मम्मी पापा हिंदू हैं तो बच्चा भी हिंदू माना जाएगा ठीक है जब तक वो कन्वर्ट नहीं करता जब तक उसे परमिशन नहीं मिलती टू तो कन्वर्ट और वो खुद कन्वर्ट नहीं कर लेता anyway, तब तक शादी है, तो इनके बच्चे का स्टेटस क्या होगा बच्चे का स्टेटस ये होगा कि अगर बच्चे को हिंदू रिलीजन सिखा के बड़ा किया गया है उसने हिंदू रिलीजन फॉलो किया है बचपन से तो वो हिंदू होगा अगर उसने हिंदू रिलीजन फॉलो नहीं किया है तो फिर वो हिंदू नहीं होगा समझ गए आप लोग बात समझ में आ गई सो इफ दोनों पेरेंट्स हिंदू हैं जैन है सिख बुद्धिस्ट है तो बच्चा हिंदू होगा अगर एक पेरेंट हिंदू है एक पेरेंट नॉन हिंदू है तो बच्चे को कैसे बड़ा किया गया है क्या रिलीजन उसने ज्यादा माना है वो उस रिलीजन को बिलोंग करेगा ठीक है बिल्कुल क्लियर है क्या वॉट अबाउट एथीस्ट

एंड लास्ट कैटेगरी ऑफ पर्सन आर कंसिडर्ड एज हिंदू आर एनी परसन इज नॉट अ मुस्लिम क्रिश्चियन पारसी और ज्यू एंड हुई एनी अदर लॉ ये बड़ी जरूरी चीज है सी ऑप्शन वाले हिंदूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या कहता है ये ये सेक्शन ये कहता है कि अगर कोई भी बंदा है जो मुस्लिम नहीं है क्रिश्चियन नहीं है पारसी भी नहीं है ज्यो भी नहीं है वो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्फन है ठीक है एक ऑर्फन रोड पे उसके पेरेंट्स उसको छोड़ गए वो उसी रोड पे पैदा हुआ वो किसी रिलीजन में बिलीव नहीं करता ही डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन ना ही वो खुद को मुस्लिम बोलता है ना ही वो क्रिश्चियन बोलता है ना ही वो पारसी बोलता है ना ही वो ज्यू बोलता है ना ही उसको पता है कि उसके पेरेंट्स किस रिलीजन के थे और वो किसी और लॉ से भी गवर्न नहीं होता दैट चाइल्ड इज नॉट गवर्न बाय एनी लॉ इन इंडिया तो उस बच्चे को भी हिंदू माना जाएगा फॉर द पर्पसेस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट समझ गए आप आप लोग लोग समझ गए सो ही विल बी अ हिंदू अंडर हिंदू मैरिज एक्ट ठीक है तो यहाँ पे आप लोग ये मत बोलना ऐसे कैसे मैम ये तो गलत बात है हिंदू मैरिज एक्ट फॉर द पर्पसेस ऑफ लॉ है यहाँ यहाँ मोरालिटी मत घुसेड़ो कि उस वो एक्चुअल हिंदू थोड़ी है कोई ना कोई लॉ तो आपको गवर्न करना चाहिए ना वरना तो आप लॉलेस हो जाओगे लॉलेस इज नॉट अ गुड थिंग तो इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट में डाल दिया गया कि अगर कोई भी पर्सन मुस्लिम नहीं है क्रिश्चियन नहीं है पारसी नहीं है ज्यू नहीं है और वो किसी भी लॉ से गवर्न नहीं होता तो उसको भी हिंदू मान लिया जाएगा फॉर द पर्पजेज ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट समझ गए वेरी गुड वेरी नाइस चलिए अब हम थोड़ा कन्वर्ट्स और रिकनवर्ट्स टू हिंदुइज की बात कर लेते हैं अगर कोई पर्सन है जो नॉन हिंदू था उसने अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लिया ठीक है जैसे एक 24 साल का लड़का है उसने वो नॉन हिंदू था किसी और रिलीजन को बिलोंग करता था उसने हिंदू स्क्रिप्चर्स वगैरह पढ़े पूजा पाठ करी उसको अच्छा लगा उसने सोचा मैं हिंदू बनना चाहता हूँ तो उसने कन्वर्ट कर लिया ठीक है और रिकन्वर्ट्स कौन होते हैं रिकन्वर्ट्स वो होते हैं जो पहले किसी और रिलीजन को बिलोंग करते जो पहले हिंदू थे उन्होंने नॉन हिंदू में चेंज किया अब वो वापस हिंदू बनना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को रिकनवर्ट्स बोलते हैं समझ गए आप लोग ठीक है सो तो कन्वर्ट्स और रिकनवर्ट्स का क्या सीन होता है तो कन्वर्ट का मतलब है ऐसा पर्सन जिसने अपना पिछला फेथ छोड़ दिया है ओरिजिनल फेथ छोड़ दिया है और दूसरा अडॉप्ट कर लिया है और यूजुअली हर रिलीजन की कुछ कुछ सेरेमनी होती है उस सेरेमनी से आप उस रिलीजन के पर्सन बन जाते हो ठीक है लेकिन हिंदू लॉ में ना ऐसा कुछ नहीं है हिंदू लॉ में कोई सेरेमनी नहीं होती कि इस पर्सन के ऊपर कुछ दूध वूध डाल देंगे तो ये हिंदू बन जाएगा ऐसा कुछ नहीं होता है हिंदू लॉ अगर कोई हिंदू धर्म अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है प्रोपोगेट कर रहा है मंदिर जा रहा है पूजा पाठ कर रहा है सोसाइटी उसे एज अ हिंदू मानने लग गई है तो ऐसा पर्सन भी हिंदू कहला सकता है जो पहले नॉन हिंदू हुआ करता था ठीक है so, सो हिंदू लॉ के अंडर

वो हिंदुइज्म को बहुत एडमायर करने लगता है उसे प्रैक्टिस करने लगता है प्रीच करने लगता है कि अरे हिंदुइज्म में ये होता है बढ़िया है तुम लोगों को भी देखना चाहिए पढ़ना चाहिए उसके टेक्स्ट को बहुत अच्छे स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं ऐसा अगर किसी क्रिश्चियन ने बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंदू बन गया ही इज स्टिल क्रिश्चियन ओनली लेकिन लेकिन वो कैसे बनेगा हिंदू वो तभी बनेगा जब उसके आसपास के जो नेबर्स हैं वो उसको एज अ हिंदू मानना शुरू कर देंगे मतलब जब सोसाइटी उसको ऐसे मानना शुरू कर देगी शु, आ, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करने लग जाएगी इन अ मैनर कि वो हाँ हिंदू ही हो गया यार वो तो मंदिर वंदिर भी जाता है उसने पूरा हिंदुजम को एक्सेप्ट कर लिया है सोसाइटी उसे ऐसा हिंदू देखने लगेगी देन ही विल बी कन्वर्टेड टू हिंदुइज्म तो फिर हम वो हम कहेंगे कि वो कन्वर्ट हो गया है इंटू हिंदुइज्म ठीक है तो कोई सेरेमनी नहीं होती हिंदूज में कोई सेरेमनी नहीं होती है टू कन्वर्ट इंटू अ हिंदू नॉन हिंदू की हिंदू में बनने की लेकिन अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो नॉन हिंदू है वो प्रैक्टिस करता है प्रीच करता है हिंदुज्म को और उसके आस पास के लोग उसे हिंदू मानने लग गए हैं देन ही कैन बी कंसिडर्ड एज अ हिंदू ठीक है समझ गए आप लोग ठीक है नाउ हिंदूज में आर्य समाज वाले जो लोग होते हैं आर्य समाजिस्ट आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज हिंदूज ओनली वो आर्य समाज वाले लोगों को की एक सेरेमनी होती है उसको बोलते हैं शुद्धि शुद्ध तो अगर कोई नॉन हिंदू है वो आर्य समाज का हिंदू बनना चाहता है तो उसकी सेरेमनी होती है उसमें सेरेमनी है बट जनरली जनरली हिंदू बनने के लिए कोई सेरेमनी होनी होती अगर शुद्धि किसी पे परफॉर्म करी भी गई है तो वो पर्सन आर्य समाज हिंदू कहलाएगा वो मतलब जनरल हिंदू की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा ठीक है तो वैसे हिंदुइज्म में कोई भी सेरेमनी नहीं है सिर्फ एक एक्सेप्शन है आर्य समाज का जिनकी सेरेमनी होती है जिसको बोलते हैं शुद्धि ठीक है और नॉन हिंदू हिंदू बन जाता है अगर वो सेरेमनीज परफॉर्म कर लेता है शुद्धि वाली फॉर बाकी जनरली हिंदू बनने के लिए कोई सेरेमनी नहीं होती है अगर लोगों को लगने लगा है कि हाँ आपका रिलीजन चेंज हो गया है तो फिर वो आप हिंदू कहलाने लगोगे ठीक है ना एक केस हुआ था उसमें कोर्ट ने ये बोला था कि पर्सन में ऑल्सो बिकम अ हिंदू इफ आफ्टर एक्सप्रेसिंग एन इंटेंशन ही अगर कोई पर्सन है वो हिंदू बनना चाहता है और वो एक्सप्रेस करता है अपनी इंटेंशन कि मैं हिंदू बनना चाहता हूँ वो हिंदू की तरह रहता है कम्युनिटी और कास्ट में उसे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि अरे हाँ ये ये तो हिंदू ही है ये तो हिंदू ही है तो फिर उसे हिंदू मान लिया जाएगा ठीक है तो कोर्ट ये दिखता है कि हम इंटेंशन देखेंगे जो नॉन हिंदू है अगर वो हिंदू बनना चाहता है तो हम उसकी इंटेंशन देखेंगे कि वो कितनी इंटेंशन रखता था Uh, क्या कन्वर्जन की उसकी इंटेंशन थी क्या कम्युनिटी उसे एक्सेप्ट करती है हिंदू कम्युनिटी उसे एज ए हिंदू एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है ठीक है और द लैक ऑफ सम फॉर्मेलिटीज कैन नॉट निगेट व्हाट एन एक व्हाट इज एन एक फैक्ट तो कोई फॉर्मल सेरेमनी की जरूरत नहीं है अगर लोग एक्सेप्ट करते हैं तो ही उसे हिंदू मान लिया जाएगा ठीक है सो बेसिकली दैट इज दैट और अच्छा ओब्वियसली बात है कि अगर कोई पर्सन है नॉन हिंदू है वो सिख रिलीजन भी अपना आता है तो भी उसे हिंदू ही बोलेंगे क्योंकि सिख पीपल आर पीपलोर्ड एज ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट समझ गए इट चलो फिर एक ये केस हुआ था इसमें कोर्ट ने ये बोला था कि अगर कोई भी पर्सन डिक्लेयर करता है कि वो हिंदू फेथ का फॉलोअर है और ये बोनाफाइड डिक्लेरेशन है बोनाफाइड मतलब गुड इंटेंशन से किया गया है इसमें कोई बैड मोटिव नहीं है तो हम ये मान लेंगे कि वो हिंदू बन गया है वो कन्वर्ट हो गया है टू हिंदुइज्म तो इस केस में क्या हुआ था कैथोलिक क्रिश्चियन था वो हिंदू टेम, टेम्पल में गाना गाता था वर्शिप करता था हिंदूज की तरह और उसने डिक्लेयर कर दिया था कि मैं मैं अपने आप को हिंदू मानता हूं आज से तो कोर्ट ने बोला कि इट विल बी कंसिडर ही विल बी कंसिडर्ड एज अ हिंदू ओनली ठीक है समझ गए पारस देन नॉट देन नॉट देन ही विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ हिंदू ज्यूरीज रिव्यू का मतलब क्या होता है भाई पिया ये सब क्या है समझ गई समझ गए चलो कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट वेन बोथ द पेरेंट्स आर दिंदूज तो क्या होता है ऐसी सिचुएशन में जहां पे दोनों पेरेंट्स हिंदूज होते हैं तो ऑफकोर्स नेसेसरी है कि दोनों पेरेंट्स हिंदूज होने चाहिए हिंदू सिख जैन या बुद्धिस्ट तो बच्चा भी हिंदू ही माना जाएगा अगर एक पेरेंट हिंदू है और दूसरा जैन सिख या बुद्धिस्ट है तो भी बच्चा हिंदू माना जाएगा लेजिटिमेट है या इन है इससे फर्क नहीं पड़ता बच्चा विल स्टिल बी अंदू ले, इन लेट बच्चे होते हैं जो आउट ऑफ वेडलॉग पैदा होते हैं विदाउट मैरिज पैदा होते हैं तो उन बच्चों को भी हिंदू ही माना जाएगा अगर बोथ पेरेंट्स आर हिंदू और ये नहीं देखा जाएगा कि बच्चा अपने पेरेंट्स के रिलीजन का फेथ प्रैक्टिस करता है या नहीं करता है वो बाद में हो सकता है कि अथीस्ट बन जाए जो भी बन जाए लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट उसे हिंदू ही माना जाएगा अनलेस ही कन्वर्ट्स हिमसेल्फ ठीक है तो मान लो एक हिंदू मदर है हिंदू फादर है उनका एक बेटा हुआ वो बेटा बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता गॉड में बट हिंदू मैरिज एक्ट के लिए वो अभी भी हिंदू ही कहलाएगा अनलेस वो अपना रिलीजन चेंज कर ले ठीक है समझ गए नाउ बर्थ पे इन्फिस दिया गया है बर्थ के टाइम पेरेंट्स का क्या रिलीजन था ये देखा जाएगा बर्थ के टाइम पेरेंट्स का रिलीजन दोनों का हिंदू होगा तो ही चाइल्ड को हिंदू माना जाएगा एक लड़का लड़की की शादी हुई ठीक है लड़का वॉज अ हिंदू लड़की वॉज अ हिंदू लड़की, लड़की गॉट प्रेग्नेंट ठीक है प्रेगनेंसी के सिक्स मंथ में शी चेंज हर रिलीजन एंड बिकेम अ नॉन हिंदू वि द चाइल्ड बी कंसिडर्ड अ हिंदू बताओ एज बीज नो नाइन्थ मंथ में द चाइल्ड टेक्स बर्थ विल द चाइल्ड बी कंसिडर्ड अ हिंदू और नॉट इन दिस केस बताओ क्या होगा आंसर येस और नो दे गर्ल हु इज अ हिंदू बॉय हु हिंदू गॉट मैरिड द गर्ल गॉट प्रेग्नेंट इन सिक्स मंथ ऑफ हर प्रेगनेंसी चेंज हर रिलीजन टू नॉन हिंदू विल द चाइल्ड बी अ हिंदू और नॉट बताओ अभी मैंने एक्सप्लेन किया ये पॉइंट आपको नो द चाइल्ड विल नॉट बी हिंदू वाई बिकॉज एट द टाइम ऑफ बर्थ बर्थ के टाइम पे मदर इज नॉट अ हिंदू ठीक है समझ गए आप लोग नो no होगा ना ये yes, क्यों लिख रहे हो पागल हो गया अभी इतना सारा एक्सप्लेन किया बाबले हो गया क्या फायदा एक्सप्लेन करने का जब समझ में ही नहीं आता है गलत बात है नहीं ठीक है नो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था एट द टाइम ऑफ बर्थ लिखा भी हुआ है भाई पे पे, पे, हिंदू नहीं थी उसने चेंज कर लिया रिलीजन तो बच्चा हिंदू नहीं कहलाएगा ठीक है ना अगर बर्थ के बाद पेरेंट ने चेंज किया रिलीजन तो बच्चा हिंदू ही कहलाएगा तो मान लो एक लड़की है और एक लड़का है लड़की हिंदू है लड़का हिंदू है दे हैव अ चाइल्ड टुगेदर इनका एक बच्चा होता है बच्चा होने के वन ईयर लेटर फादर चेंजेस हिज रिलीजन विल द बच्चा बी हिंदू एज नो बताओ विल द बच्चा बी अ हिंदू चलो अब मेरे को लग रहा है आपको समझ में आ गया ठीक है यस ही विल बी क्योंकि एट द टाइम ऑफ बर्थ पेरेंट्स हिंदू थे बाद में क्या हुआ इससे फर्क नहीं पड़ता बर्थ के टाइम पे दोनों पेरेंट्स हिंदू थे वही मैटर करता है समझ गए ना फैक्ट क्लियर हो गया गलत तो नहीं करोगे ठीक है चलो नाउ uh, हां अगर पेरेंटल राइट में पेरेंट अपने बच्चे का रिलीजन कन्वर्ट करा लेता है तो फिर ठीक है तो फिर बच्चे को भी कन्वर्टेड बोल सकते हैं लेकिन अगर नहीं कराता है तो बच्चा हिंदू ही रहेगा बेसिकली अगर पेरेंट कन्वर्ट नहीं कराते हैं बच्चे को तो सिर्फ खुद होते हैं अगर एक पेरेंट हिंदू है तो क्या होता है वेन वन पेरेंट एज अ हिंदू एक लड़का लड़की की शादी हुई लड़का नॉन हिंदू है लड़की हिंदू है ठीक है या लड़की नॉन हिंदू है लड़का हिंदू है तो उस केस में क्या होगा एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ बर्थ के टाइम पे एक पेरेंट हिंदू होना चाहिए उसको कैसे ब्रॉट 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 अप 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 किया गया है ये देखा जाएगा हाउ ही ही एज अ हिंदू और अ नॉन हिंदू अगर उसको ब्रॉट अप किया गया है उसे चांड वगैरह सिखाए गए हैं हिंदू स्क्रिप्टर समझाए गए हैं हिंदू हिंदुइज्म हिंदु को प्रैक्टिस करता है मंदिर वगैरह जाता है वो ब्रॉट अप किया गया है एज अ हिंदू तो उसे हिंदू ही कंसिडर किया जाएगा ठीक है समझ गए गॉट इट तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है हिंदू मदर है मुस्लिम फादर है चाइल्ड को हिंदू की तरह ही अप किया गया है मदर बाद में इस्लाम में कन्वर्ट कर लेती है तो बच्चा फिर भी हिंदू होगा क्योंकि बच्चा वॉज ब्रॉटअप एज अ हिंदू ठीक है गॉड इट कौन आएगा स्पेशल मैरिज एक्ट में ठीक है नाउ कमिंग टू दर्ड पॉइंट वेन पर्सन इज नॉट क्रिश्चियन पार्सीज और जूस तो देखो ऑब्वियसली अ पर्सन इज हिंदू ये प्रूव करना मुश्किल है है ना लेकिन अ पर्सन इज नॉट हिंदू ये प्रूव करना आसान है आप देख लो कि वो किसी और रिलीजन को बिलोंग करता है या नहीं करता है तो लॉ ये कहता है कि अगर पर्सन मुस्लिम है क्रिश्चियन है पारसी है या ज्यू है तो वो हिंदू नहीं होगा लेकिन इन चार रिलीजन के अलावा अगर वो किसी रिलीजन को बिलोंग करता है और उसके लिए कोई एक्ट नहीं बना हुआ तो उसको भी हम हिंदू मान लेंगे

जो मतलब कॉन्ग्लोमरेट टाइप है कि भाई मैं मुस्लिम्स में भी बिलीव इस्लाम में भी बिलीव करता हूँ क्रिश्चियनिटी में भी करता हूँ जूज में भी करता हूँ हिंदूज में भी करता हूँ हिंदुइज्म में भी करता हूँ तो ऐसा बंदा किसको बिलोंग करेगा तो ऐसे इंसान को हिंदू मैरिज एक्ट में डाला गया है कि ऐसा पर्सन जो सब कुछ फॉलो करता है उस नहीं समझ में आ रहा है कि वो किसको बिलोंग करता है तो उसको फिर हम हिंदू मैरिज एक्ट में डाल देंगे हिंदू लॉज में डाल देंगे तो हिंदू नहीं है वो लेकिन हिंदू लॉज के लिए वो हिंदू है जैसे अ मैन इंक्लूड्स अ वूमेन अंडर आई पी सी एज वेल ठीक है समझ गए आप लोग तो यस, yes. ये भी मैंने आपको बता दिया नाउ कमिंग टू सर्टेन टर्मिनोलॉजीज अब कुछ टर्म्स आपके इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल जो शेड्यूल ट्राइब के पर्सन उन, में दे रखा है कि उनके लिए स्पेशली जो भी एक्ट्स बनाए जाएंगे वो उन पे अप्लाई करेंगे है ना तो उनके लिए स्पेशल लॉज बनाए गए हैं तो स्पेशल लॉज जिनके लिए बनाए जाते हैं उनके उनपे वो ही लॉज अप्लाई करते हैं नाउ कमिंग टू सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ सोर्सेज का मतलब क्या होता है जै, जैसे मैंने आपको बताया हिंदू लॉज में ना कुछ एक्ट्स हैं हिंदू मैरिज एक्ट है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है हिंदू सक्सेशन एक्ट है तो ऐसे अलग अलग लॉज बनाए गए तो ये सब लॉज कैसे बनाए गए या फिर फॉर एग्जांपल कोई दो लोग कुछ पर्टिकुलर इशू लेके कोर्ट गए हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक लड़की है ये एक लड़का है इनकी शादी वैलिड है या नहीं है ये डिसाइड नहीं हो पा रहा ठीक है ये दोनों हिंदूज हैं लड़का भी हिंदू है लड़की भी हिंदू है बट इट इज बट इट इज डिफिकल्ट टू कम टू द कंक्लूजन वेदर देयर मैरिज इज वैलिड और नॉट ठीक है तो इसके कुछ सोर्सेज होने चाहिए कोर्ट क्या देख के डिसाइड करेगा कि पर्सन की मैरिज वैलिड है या नहीं है है ना जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई चीज किसी एक्ट में नहीं लिखी हुई जैसे मैंने आपको अभी बताया हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू सक्सेशन एक्ट टेस्टामेंट्री एक्ट अडोप्शन में कोई चीज डिफाइंड नहीं है उस चीज को लेके दो हिंदू कोर्ट गए तो क्या कोर्ट ये बोल देगा कि लॉ में नहीं लिख रखा हम डिसाइड नहीं करेंगे कैन कोर्ट से दैट कि वी विल नॉट डिसाइड दिस बिकॉज इट्स नॉट गिवन अंडर एनी लॉ कैन ही बताओ कैन द कोर्ट से दैट कि हम नहीं करेंगे आपके लिए कुछ भी क्योंकि भाई एक्ट में डिफाइंड नहीं है नो नो द कोर्ट कांट से दैट क्योंकि किसी के राइट्स वायलेट हो रहे हैं एंड राइट्स हैव टू बी एनफोर्स्ड है ना तो इसके लिए कोर्ट क्या करता है कोर्ट ये देखता है कि दोनों पार्टीज हिंदू हैं तो हम हिंदू लॉ के सोर्सेज देखेंगे वी विल लुक एट द सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ में कहीं ये चीज कहीं मैं तो नहीं है अगर है तो हम उस हिंदू लॉ के हिसाब से ही चीज को डिटरमाइन करेंगे डिसाइड करेंगे ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो दो हिंदूज है ठीक है वो किसी कास्ट को हिंदूज में बिलोंग करते हैं जिसमें कि लड़के ने लड़की को एक कलावा बांधा येलो कलर का हाथ पे ठीक है और लड़की को बोला कि आज से हम शादीशुदा हैं क्योंकि मेरे घर में ये प्रथा है कि लड़का अगर लड़की को येलो कलर का धागा बांध देगा तो उनकी शादी हो जाएगी मान लो अब कुछ इनका लड़ाई हो गई ठीक है लड़का लड़की की लड़ाई हो गई लड़की कह रही है कि हमारी तो कभी शादी ही नहीं हुई क्योंकि कलावा बांधने से शादी नहीं होती लड़का कह रहा है नहीं शादी हुई है अब ये क्या करेंगे कोर्ट जाएंगे हिंदू मैरिज एक्ट में तो ये कहीं भी डिफाइंड नहीं है कि कलावा बांधने से शादी होती है या नहीं होती है तो ऐसे केस में कोर्ट क्या करेगा कोर्ट देखेगा हिंदू लॉ के श्रुति स्मृति कस्टम्स जस्टिस इक्विटी गुड प्रेसिडेंट लेजिस्लेशन कहीं इनमें कहीं ये चीज क... लिखी तो नहीं है अगर कहीं ये चीज लिखी हुई है तो उसके हिसाब से फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या ये शादी वैलिड है या नहीं है तो सोर्सेज की इंपॉर्टेंस आप लोग समझ गए द इम्पोर्टेंस ऑफ सोर्सेज इज कि हाउ डू वी डिसाइड द आउटकम ऑफ अ केस Which involves Hindus, ठीक है समझ गए आप लोग मोहित नो यू डोंट हैव टू रीड ऑल द पैसेजेस द पैसेजेस दैट यू ऑलरेडी नो जो आपने क्लासेस वगैरह में पढ़ रखे हैं वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा समझ गया सोर्सेस क्या होते हैं समझ गए हाँ या ना बोल दो मैं भी सवा ग्यारह बजे चीख चीख के पढ़ा रही हूँ भाई मैं भी थक गई हूं पर मैं हूं ना यहाँ पे मतलब आप लोग तो अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे हो ज्यादा सीरियस हो गया क्या आज कभी कभी सीरियस भी ठीक है ठीक है सो सोर्स की क्लास विल बी डे आफ्टर टुमारो यहीं तक आज की क्लास थी डे आफ्टर टुमारो वी विल डिस्कस सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी अच्छी लगी तो शेयर कर देना लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना अगर कोई भी अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहे तो आप कृति भी कोड यूज कर सकते हैं अब आपका कोई भी डाउट हो तो आप उनसे पूछ सकते हो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास एट एंड ऑड आर आई एम सॉरी बट आई हैड नो चॉइस एंड आई होप यू लाइक द क्लास ठीक है हाँ प्रज्ञा चाइल्ड विल चूज द रिलीजन एक जब वो पैदा होता है तो वो चूज नहीं कर सकता ना रिलीजन को ही बात है वो तो बोल ही नहीं रहा पारा अभी अभी उसको रिलीजन क्या होता है ये नहीं पता है जब तक ही इज नॉट अ मेजर ही हैज़ बी अकॉर्डिंग टू हिज पेरेंट्स पेरेंट्स के राइट्स होते हैं बच्चे के ऊपर मेजर होने के बाद ही कैन कन्वर्ट हिमसेल्फ इफ हीस टू ठीक है प्रियंका सर्च कृति बी कृति बी गैप अन अकेडमी फाइंड इट या यू आर वेरी लेट द क्लास इज एंडिंग नाउ रिशिद इट इज नॉट नेसेसरी टू मैरी अकॉर्डिंग टू दैट ट्रेडिशन विच आई वी दे वॉन्ट टू दे गन गो फॉर इट अभी मैंने मैरिज बढ़ाया नहीं है कैसे वैलिड होता है कैसे नहीं होता है तो अभी तू आ मत जा वंस आई टीच इट यू विल अंडरस्टैंड ठीक है चलो धन्यवाद शुक्रिया क्लास आने के लिए और किसी को कुछ पूछना है मॉक कैसे होंगे बढ़िया होंगे मतलब प्रवीण <laughs> मतलब मैं तेरे सवाल ही नहीं समझी भाई गुड नाइट विकास टेक केयर गुड नाइट खुशबू बाय रिशित बाय देवी और अपने फ्रेंड्स के साथ भी क्लास शेयर कर देना अगर अच्छे लगे हो तो है ना धन्यवाद प्रियंका जी पूछ लेना आप अब में किसी को कुछ नहीं पूछना बढ़िया पढ़ाई चल रही है लगता है आपकी आपको तो सब कुछ आता है मॉक कैसे अटेंड करें अन का ऐप डाउनलोड करके टेस्ट uh, कैटेगरी में जाके मॉक टेस्ट लिखा रहा होगा उस पर क्लिक करके ठीक है या यस फ्री क्लासेस भी है उस पर ठीक है चलो बाय गुड नाइट गाइजा थैंक यू बाय